हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप का अब क्या होने वाला है? क्या जिन बच्चों का वेरीफाइड है उनका पैसा आ रहा है, या फिर से क्या मौका मिलेगा ऐसे बच्चों का जिनका जो है इंस्टीट्यूशन से यानी कॉलेज से जो है फॉरवर्ड नहीं किया गया है? यूपी स्कॉलरशिप में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पर्टिकुलर जो है डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड जिन बच्चों का वेरीफाइड था लेकिन लास्ट मोमेंट में रिजेक्ट किया जा रहा है, अब उन लोगों के साथ क्या होने वाला है उस पर बात कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई इमीडिएट अपडेट दिया जाए आप तक पहुँच जाए। यूपी स्कॉलरशिप में देखो, अभी लास्ट मोमेंट में जो है बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। रीजन कुछ भी डाला जा रहा है, रीजन है कि आपका जो चीजें आप लोगों का पहले नोटिस नहीं हुआ था और वो वेरीफाइड हो गया था, वो सारी चीजें अब नोटिस हो रही है, फिर से स्क्रूटनी हो रही है और रिजेक्ट हो रहा है। मैंने ये बात जो है आप लोग को पहले भी बताई थी कि अभी आप लोग खुश हो रहे हो कि हमारा जो है वेरीफाइड है, 31 मार्च तक अगर पैसा आ गया तो सही है, आपका गलत में भी पैसा आ ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो जिन लोगों का जो है सही भी है, जिन लोगों का जो है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सारा उस समय निकाला जाएगा और निकाल करके रिजेक्ट किया जाएगा। स्क्रूटनी जो होता है 31 मार्च के बाद सीरियस स्क्रूटनी होता है, और उसके बाद से जो है बहुत सारे जो है रिजेक्ट होते हैं, वेरीफाइड वाले भी रिजेक्ट होते हैं, और ऐसे टाइम में रिजेक्ट होते हैं कि बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च खत्म हो चुका है। अब उसके बाद से कोई भी चीज़ें आपके सामने नहीं होगी, यही चीज़ें हो भी रही है। देखो, जिनका वेरीफाइड है और रिजेक्ट हो रहा है और जेन्युइन रीज़न दिया जा रहा है जो कि आप लोगों से गलती हुई है, तो फिर आप लोग इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप लोगों का रिजेक्ट हो गया, वो बात हो जाती है कि यहाँ तक खाना आया है लेकिन यहाँ से किसी ने छीन लिया है, वो चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिनका जो है आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो रीज़न ही नहीं है और इस रीज़न पे तो मेरा रिजेक्ट नहीं हो सकता है, तो फिर आप लोग जो है आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो। लेकिन मेरे से अगर पूछोगे कि मैम इसका फ़ायदा होगा, तो 31 मार्च के बाद इसका कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट PIL और ये सारी जनहित सुनवाई वाला आप लोग डाल के रख सकते हो, कौन जानता है, हो सकता है कि आपका आ जाए उसमें। 31 मार्च के पहले तो बिल्कुल आता है, कुछ बच्चों का सही भी हो गया, उसके बारे में हमने आपको कल वाले वीडियो में दिखाया भी था, लेकिन अब थोड़ा सा उम्मीद जो है जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे कम हो जाती है। चलिए, एक गुड न्यूज़ जो है वो आ रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये है कार्यालय जिला अधिकारी फतेहपुर से, ठीक है। देखो, कार्यालय जिला अधिकारी फतेहपुर से जो है ये लेटर लिखा गया है, और समस्त प्राचार्य BTC कॉलेज जनपद फतेहपुर से, यहाँ पे बोला गया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी समय सारणी को समय पर ढंग से अनुपालन कराए जाने एवं BTC के छात्रों का डाटा विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से सत्यापन कराए जाने के संबंध में। यह अपडेट भी देखोगे तो 6 अप्रैल 2024 का है। इसमें बोला जा रहा है कि BTC जो BTC करने वाले बच्चे हैं उन लोगों का एफिलिएट उन लोगों का जो है नहीं आगे फॉरवर्ड किया गया था, उन लोगों का फॉरवर्ड किए जाने के संबंध में जो है ये पूरा डेटा निकाला गया है। उपरोक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर के पत्र संख्या दिनांक 13 फरवरी 2024 एवं पत्र संख्या इतना 22 मार्च का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक 23-24 में विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से सीटों के सापेक्ष वास्तविक छात्रों का सत्यापन 20 फरवरी तक होना चाहिए। देखो, ये सारी चीजें तो हुई ही नहीं है। एक्चुअली में ये जो डेटा निकाला गया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि ये पोर्टल में फिर से जो है इन बच्चों का आगे बढ़ाने के लिए, देखिए, शिक्षण संस्थान आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 15 अप्रैल 2024, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाना 16 अप्रैल से 26 अप्रैल, और छात्र छात्राओं द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से 26 अप्रैल से 3 मई, और सही आवेदन को जमा करने के लिए जो है 26 अप्रैल से 27 मई। तो ये पूरा टाइम जो है मिला है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ BTC स्टूडेंट के लिए मिला है और ये फतेहपुर का है। तो आप लोग ये पूछोगे कि क्या ये बाकी जगहों पर भी लागू होगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर इस तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो सकता तब तक नहीं बताया जा सकता। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे कॉलेजेस थे, ऐसे यूनिवर्सिटी थी जिनका जो है पूरे कॉलेज का, पूरे यूनिवर्सिटी का डेटा ही फॉरवर्ड नहीं हुआ था, उसके संबंध में जो है ये निकाला गया। तो ये फतेहपुर का है, ठीक है।
इसमें उक्त के परिपालन के में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अभिलेख समय सहित संबंधित अफिलिएटिंग एजेंसी से संपर्क कर समय सारणी में दी गई व्यवस्था के अनुसार छात्रों का डेटा ऑनलाइन सत्यापित करना सुनिश्चित करें। उसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी समय सारणी को समयबद्ध ढंग से अनुपालन करें। तो इसके अनुसार जो है इनको एक बार मौका दिया गया है। तो क्या ऐसा मौका सभी को मिलेगा? तो देखो, एक डेट तो पहले अनाउंस किया गया है 26 अप्रैल से 3 मई, वो SC ST कैटेगरी के लिए किया गया है कि उनको मौका दिया जा रहा है। ये जहां जहां पर ऐसी चीजें हुई हैं कि कॉलेज के थ्रू ये जो है आगे वेरीफाइड नहीं किया गया, आगे नहीं फॉरवर्ड किया गया, वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट से जो है डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग से, DM ऑफिस से जो है ये सारी चीजें बोल सकते हो कि एक स्टेप लिया जा रहा है। अगर आप लोगों के भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर बताना ताकि बाकी बच्चों तक ये सारी चीजें पहुंचे। और जैसे लखनऊ था, कुछ चीजें तो हमारे भी नजर में थी और वहां पे क्योंकि आंदोलन हुआ था तो हमें पता चल गया था कि उनका डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ पूरे कॉलेज के कॉलेज का, तो उन लोगों की तरफ से जो है ये चीजें की जा रही है। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट की ना जिनका वेरीफाइड था और लास्ट मोमेंट में रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं दो ही रास्ता आप लोगों को बताती हूँ। एक PIL कर देना है आप लोगों को, जनहित याचिका जो दायर करना होता है जन सुनवाई पोर्टल पे, वो आपको ही कर देना है। एंड दूसरा जो है आप लोग DM ऑफिस में जाकर के भी अपील लगा सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया है तो हम कैसे करें। लेकिन गलती आपकी होनी नहीं चाहिए, पहली बात कि अगर मिस्टेक आपका है तो फिर आपके ये सारे प्रोसेस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका सब कुछ सही था, फिर भी ऐसा कुछ हुआ है, तब जाकर के आप ये दोनों स्टेप ले सकते हैं। जैसे मैं पहले बताती थी कर ही दो तो हो जाएगा, वैसा अब उतना चांसेस जब नहीं रहता है, बट बोलते हैं ना कि एक होप, एक उम्मीद जो है बनी रहती है अगर ये चीज करते हो। अगर आगे आपके पूरे फॉर्म में किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं पता चलता है तो आपको आगे जो है वो वेरीफाइड और पैसा भी आ सकता है, चांसेस हैं। लेकिन उस समय आप, अभी मैं बात कर रही हूँ जितने स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि मैम मैंने गलती से ये काम कर दिया, मैंने गलती से ये भर दिया, मैंने मेरे से ये गलती हो गई, मैंने NPCI मैपिंग चेक नहीं किया, मैंने बाद में NPCI मैपिंग करवाया है, तो ये सारी चीजें जो है नहीं होती है। अगर आपने NPCI मैपिंग को टाइम पर नहीं करवाया और फॉर्म में डाल दिया है वो नंबर, तो प्रॉब्लम आपने किया है, तो इसमें फिर कोई नहीं सुनेगा क्योंकि गलती आपने, आप अवेयर नहीं थे, आप केयरलेसली फॉर्म को भरे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जिनका सब कुछ सही था और उनके साथ गलत हुआ है तो वो लोग ये दो स्टेप ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन।